ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे कि जिसने एक बहुमूल्य हीरा एक पानी के सरोवर में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस हीरे को स्वीकार कर लीजिए। द्वारिकाधीश जगन्नाथ भगवान ने अपने हाथ इतने लंबे किए कि उन्होंने जैसे ही भक्त ने हीरा डाला सरोवर में और भगवान ने अपने हाथों में उसको ले लिया। उनका नाम है श्री अंगद जी। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राय सेनगढ़ के राजा शिलाहदी सिंह थे, यानी कि ये वहां के राजा थे रायगढ़ के। इनका नाम था शिलाहदी सिंह और उनके चाचा थे अंगद सिंह जी। आज हम अंगद सिंह जी की ही कथा सुनेंगे। पहले इनका भगवान में कोई प्रेम नहीं था, भजन कीर्तन में इनकी कोई रुचि नहीं थी, पर उनकी जो स्त्री थी वो भगवान की भक्त थी। एक बार उनके श्री गुरुदेव घर पर आए थे और भगवान की कथा सुना रहे थे और वह भगवान की कथा बड़े सुख पर सुख पूर्वक सुन रही थी और भगवान के स्वरूपों का, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा उनके गुरुजी गा रहे थे, ये बड़े प्रेम से सुन रही थी। इसी बीच अंगद जी आ गए और फटकारते हुए श्री गुरुजी से बोले, अरे गुरुजी, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। भक्तजनों, जो सच्चे गुरु होते हैं उनके लिए न तो कोई स्त्री होती है न कोई पुरुष होता है, उनके लिए तो वे सब उनके चेले और चेली, उनके लिए तो वे सब भक्त होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। फिर भी वो राजा के कहने पर कुछ बोले बगैर ही वहां से चले गए। जब वे वहां से चले गए, श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। श्री अंगद सिंह जी तो संसारी सुखों के वशीभूत थे, अतः स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उनके पांव तक पकड़ ली और कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूंगा, तुम भोजन करो और पानी पियो। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुंह से निकल गए। पति देव के दैन्य को देखकर उस भक्ता के हृदय में दया आ गई। उसने कहा, अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़िए और उन्हें प्रसन्न कर उनको अपना गुरु बनाइए, तभी मैं जल ग्रहण करूंगी। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरुदेव जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लिवा लाए। दीन भाव से विनती करके उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उचिष्ट यानी कि शीत प्रसादी पाई, यानी उनका जूठा। अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भाव उत्पन्न हो गई। भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा शिलाहदी सिंह जी के आदेश के अनुसार एक बार इन्होंने एक शत्रु राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी और विजय प्राप्त कर ली। राजभवन की लूट में इनको राजा की टोपी मिल गई जिसमें 100 नग जड़े हुए थे, उसमें से एक नग सबसे मूल्यवान था। टोपी के 99 नगों को बेच बेच कर इन्होंने संत भगवंत की सेवा कर दी और एक नग जो सबसे बड़ा कीमती था
उसे आपने अपनी पगड़ी में लपेट कर रख लिया और मन में निश्चय किया कि इसे मैं जब कभी जगन्नाथ जाऊंगा तो भगवान जी को अर्पण करूंगा। जो फौज के सिपाही थे अब उनमें कानाफूसी होने लगी कि 100 नगों से तो जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा को उन्होंने बता दी। राजा ने सुन ली। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी आज यदि उस हीरे को दे दें तो 99 हीरे हम माफ कर देंगे। जो उन्होंने 99 हीरे संतों की सेवा में लगा दिए उनको तो मैं माफ कर दूंगा, परंतु वह हीरा उनको जो बहुमूल्य है मुझे देना पड़ेगा। लोगों ने आकर इन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक उक्तियां की, अनेक बातों से समझाया, परंतु इन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। तब श्री अंगद सिंह जी की एक बहन जो इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी, राजा ने उसके पैर छूकर एवं लोभ में लालच देकर भेद नीति से उसे कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो, फिर मैं तुम्हें बहुत सा धन धरती दूंगा। उसने राजा की बात मान ली और उसे लालच आ गया। उसने विष घोलकर भोजन बनाया, भोजन में विष मिला दिया और उन्हीं के सामने भगवान को भी भोग लगा दिया। फिर बुलाकर कहा कि भैया आओ भोजन कर लो। थाली परोस कर उनके सामने रख दी। श्री अंगद सिंह की बहन की एक लड़की थी और अंगद सिंह जब भोजन करते थे तो उसको राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बैठा लेते थे। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने उसे कहीं किसी के घर में छिपा दिया। ये उसके बिना भोजन नहीं करते थे। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में भ्रातृ प्रेम उमड़ आया। भाई की मृत्यु से डरकर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात बता दी कि राजा ने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या किया, अब तुम इसे मत खाओ। ऐसा कहकर वह विष मिले भोजन की थाली को लेकर जाने लगी। यह देखकर श्री अंगद जी ने कहा, तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगाया और अब हमें खाने से रोकती हो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया और भगवद इच्छा जानकर उस किवाड़ों को बंद कर दिया और प्रसाद पाकर लेट गए। आपके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। इन्होंने मन में विचार किया, जब मेरे प्रभु को इन्होंने विष खिला दिया तो मुझे जीने से क्या लाभ है, परंतु वह तो भगवान का प्रसाद अमृत बन चुका था, उससे इनको कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रसाद प्रेम से आपने मुख पर नई चमक आ गई, यानी कि आप और भी सुंदर हो गए, परंतु आपके मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाया गया है। श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण करने की इच्छा से सोचा कि ये लोग अब मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे को मारने की भी योजना इन्होंने बना डाली, अब मैं जा करके इस हीरे को जगन्नाथ प्रभु को भेंट कराऊं। श्री जगन्नाथपुरी के लिए जाने लगे। अब राजा को पता चल गया कि चाचा जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। समाचार पाते ही खींच कर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया और राज पुरुषों ने कहा, आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। आपके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था, अतः उन्हें न देकर ये कहते हुए हीरा इन्होंने जल में डाल दिया और उनके देखते ही इन्होंने हीरे को मौका पाते ही
जल में डाल दिया और कहा कि प्रभु यह आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रेम भरी भक्ति की यह वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। आजानु बाहु प्रभु ने 700 कोश लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने बक्शिश तल पर धारण कर लिया। श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंक कर दुखित मन से अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वो हीरा उन्हें न मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहां आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया, फिर भी जब हीरा न मिला तो कीच में ढूंढवाया। कीच में भी न मिलने पर राजा दुख सागर में डूब गया कि हीरा गया तो किधर गया। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण भी कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। यह बात सबने सुन ली। श्री अंगद सिंह जी ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा था। श्री अंगद जी ने इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख हो गया। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा ब्राह्मणों को अपने चाचा को लिवा लाने के लिए जगन्नाथपुरी भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से आप लोग मेरे चाचा को बुला लाओ। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं अपने को बड़भागी मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथनानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के सारे दुख सुनाए और प्रार्थना की अब आप वहीं पधारिए, राजा को आप क्षमा कर दीजिए, वे अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार नहीं हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर वहीं पर बैठ गए। तब श्री अंगद जी को उन पर दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए आप वहां से आ गए। जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और इनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व अपने चाचा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नव जीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्तिमय आचरण किया। अब वह राजा जो पहले हीरे के लिए अपने चाचा को विष दे रहा था, हीरे के लिए युद्ध कर रहा था और हीरा न मिलने के कारण दुखी हो गया था, अब भगवान की कृपा से उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब अपने चाचा को समर्पित कर दिया और भगवान का परम भक्त बन गया। भक्त जनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।